राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ में शासकीय एमकेसीएल कंपनी के काम बंद कर प्रमाग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नियम बाह्य तरीके बिना निविदा पिछले 20 साल से ठेका दिया गया। इतना ही नहीं, प्रमाग कंपनी की बार बार समयावधि बढ़ाकर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप है। इस संदर्भ में विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता देते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप कर स्वतंत्र जांच करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण राउत ने पत्र परिषद में की है। फिलहाल संघ परिवार के दो गुट विद्यापीठ में आमने सामने आने से और उनमें चल रहे संघर्ष से नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया के प्राध्यापक सहित विद्यार्थियों में बेचैनी है। पूर्व कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के निलंबन के बाद यह विवाद गरमाया है। राउत के अनुसार वर्ष 2007 में अमरावती विद्यापीठ ने प्रमाग कंपनी को काली सूची में डाला था, जिस कारण नागपुर विद्यापीठ द्वारा इस कंपनी को काम देने का प्रश्न ही नहीं था। फिर भी नागपुर विद्यापीठ के कुछ महारथियों ने स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए साट काट कर प्रमाग कंपनी को 2005 से बिना निविदा काम देकर अब तक अनेक बार समय सीमा बढ़ाकर देने का आरोप राउत ने लगाया है। कल्पनाबाई पांडेंनी माहिती दिलीच होती। त्यानंतर कल्पनाबाई पांडेंनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यानंतर क्ष व्यक्ती जी चौकशी 5 वर्ष आधीच थांबलेली आहे त्या चौकशीतनं एक व्यक्ती सुशिक्षित व्यक्ती येतो आणि त्याच्यावर आक्षेप घेतो। 5-6 वर्ष त्या विषयावर कोणीच बोललेलं नाही। बरं, डॉक्टर सुभाष चौधरी हे जर व्हाईस चान्सलर आहेत तर एकट्या व्यक्तीने तो निर्णय घेतलेला नसतो, ती व्यवस्थापन समिती असते। समितीचे विशिष्ट पदाधिकारी असतात, त्यात विविध सदस्य असतात वेगवेगळ्या क्षेत्रातून। ज्या पद्धतीने माननीय श्री प्रवीण दटके व्यवस्थापन समितीचे लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधी म्हणून सदस्य आहेत, तर त्या कमिटीवर आम्हाला असं ऐकायला आलं आहे की तिथे ग्रॅज्युएट सदस्य असावा, ग्रॅज्युएट म्हणजे आमदारापैकी एक प्रतिनिधी असावा, आमदारापैकीच असावा एमएलसी एमएलए, पण तो ग्रॅज्युएट असावा असं व्यवस्थापन समितीच्या नियमात आहे। मग असं असताना हे ग्रॅज्युएट नसलेले प्रतिनिधी तिथे का काय? महाराष्ट्राच्या विधानसभेत, विधान परिषदेत किंवा राजकीय व्यवस्थेत ग्रॅज्युएट आमदारांची कमी आहे का? मग हे कसं काय चालतं बा? हे नियमाला धरून आहे का? याची सुद्धा चौकशीची मागणी आम्ही माननीय राज्यपालांकडे करणार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।